कैशमैन से बात करते हैं। जी कैशमैन जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो मेली जी, आवाज आ रही? जी आवाज आ रही है, क्या हाल है आपका? थैंक जी, वेरी नाइस टू सी यू जी। एक्चुअली पहली यू। बार यूट्यूब पे आया हूँ, किसी भी वीडियो पे, खास अच्छा करके लाइव तो थोड़ा सा है, बट एनीवेज जस्ट कुछ चीजें कहना चाहूँगा कि पहले जस्ट मेरी बेसिक बैकग्राउंड कि मैं इंडिया से हूँ, हिंदू फैमिली से बिलोंग करता हूँ, नॉर्थ इंडिया अच्छा से, और कुछ साल से मैं वेस्टर्न कंट्री में हूँ। और पहले मैं भी रिलीजन, अपने रिलीजन को बहुत डिफेंड करता था कि ये बहुत अच्छा, बाकी सब बुरे हैं, जैसे कि कई लोगों में है आजकल या होता होगा। हाँ, आई थिंक वी हैव ऑल बीन देयर। मैं भी जी थी, वी हैव जी ऑल बीन देयर। जी और आफ्टर लिविंग इन द वेस्ट फॉर सम टाइम, फॉर सो लॉन्ग, मुझे पता लगा कि अल्टीमेटली आप जिस भी रिलीजन को देख लो, इट्स ऑल इनडिफेंसिबल इन फ्रंट ऑफ साइंस। कोई ना कोई पॉइंट ऐसा आ ही जाएगा आजकल के, एटलीस्ट मॉडर्न साइंस में, कि आप उसको डिफेंड नहीं कर सकते, आप किसी चीज को प्रूव नहीं कर सकते। जैसे अब मोहम्मद, इस्लाम में लिखा है कि जी उसने चांद के दो टुकड़े कर दिए थे, या ही वेंट ऑन विंग्ड हॉर्स टू हेवन, या ऑल दैट, यू कैनॉट डिफेंड दैट। और हिंदुइज्म में भी ऐसी बहुत बातें, अंधविश्वास है, सुपरस्टिशन है। और हनुमान जी भी तो उड़े थे ना, जी, तो वही बात आ हाउ डू यू जाती है, जब डिफेंड आप दैट? उनको नहीं बिलीव करते कि वो उड़े, तो फिर हनुमान जी कैसे उड़ गए। एग्जैक्टली हाँ जी, एक बंदे ने ये कहा था कि उन्होंने उस जमाने में कोई चीज इजाद की होगी, उस पे उड़ के गए होंगे। ये हाँ जी, लॉजिक तो चेक करें। जी बिल्कुल, सो एग्जैक्टली, तो वो अगर कि हाँ, अल्टीमेटली ये है कि आप साइंस के सामने कोई रिलीजन नहीं टिक सकता। आई एम श्योर देयर रिलीजियस लोग भी बोल बोल सकते हैं कि जी हाँ, बहुत सी चीजें हैं साइंस में जो आज तक प्रूव नहीं हुई है, कि जी ये वेयर डज लाइफ कम फ्रॉम, दिस एंड दैट। आई एम श्योर इन 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 ड्यू टाइम साइंस उसका भी पता लगा लेगी, एंड मे बी देर इज अ डिवाइन एलिमेंट टू इट, बट आई एम नॉट सेइंग के आई एम नॉट टोटली एथीस्ट, बट आई डोंट रियली फॉलो एनी No, रिलीजन। I am the same way. I don't know. We don't know, मगर जी we also know that it wasn't Muhammad जिसने, या अल्लाह मियाँ ने नहीं है, अल्लाह मियाँ एग्जैक्टली, नहीं है, हाँ वो जी, कुछ और ही है। Maybe it is energy, maybe it is something. हाँ We जी, don't know what it is, but it is not Hinduism, it is not Jesus, it is not Adam and Eve, क्योंकि वो सारी सारी थ्योरी डीबंक हो चुकी हैं। हाँ और जी, अगर आप उसको मान रहे हो अभी तक, तो then that's your belief. वो हाँ बिलीव जी, हम पे मत थोपो। जैसे मैं किसी से नहीं कहती कि भैया आप एथियस बन जाओ, आई नेवर टेल एनीवन कि मैं जो बिलीव कर रही हूँ आप वैसे ही बिलीव करो, मगर एक रैशनल थिंकिंग रखो। जी बिल्कुल। और जो लोग बोलते हैं कि जी इंडिया में ऐसा नहीं होता, औरतों का तशद्दुद नहीं होता है, जो भी नहीं होता, देन दे आर जस्ट ब्लाइंड, इतना कुछ हो रहा है। वो तो कहते हैं इंडिया इज बेटर देन द वेस्ट। कल बंदा ये बात बोल के गया एक वेस्टर्न औरत के चैनल पे बैठ के, जो खुद डेनमार्क में बैठी है, और उसने उसको टोका नहीं है इस चीज पे। या हाउ विच कैन इज यू से दैट? रिडिकुलस। हाँ जी, अरे उसके उसके उससे निकल गया होगा दिमाग से, बट मतलब आई थिंक से अमीना के दिमाग से निकल गया हो कि वो टोक नहीं पाई, बट इस चीज से कोई एग्री नहीं कर सकता। नहीं, बात वैसे नहीं बहुत है। जगहों नहीं, पे दिमाग से निकल जाता है उनके। वो जब मुंह पे ताले पड़ जाते हैं ना पीछे से, आपके मास्टर्स आपको मना कर देते हैं कि आपने किसी चीज को पॉइंट आउट नहीं करना है, तो फिर यही होता है, आप चुप करके वहां गूंगे बैठते जाते हो बन के, और जो चीज हाँ ऐसी होती है ना उसको भी आप काउंटर नहीं करते हो। जी, पता नहीं, नहीं उनका अगर क्या वो रीजन ये कहता होगा, कि बट जैसे कि कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ चीजें बुरी हैं, वेस्ट में भी ऐसा नहीं कि सब कुछ अच्छा नहीं है, बट वो आपसे हर चीज के मामले में अगर आप देखो तो बेटर, जैसे कि हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया, चाहे आप जीडीपी पर कैपिटा कह लो, चाहे आप राइट्स कह लो, उन सब में वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब आप अभी मैं आपको रिसेंटली एक छोटी सी एक रिपोर्ट है, क्लाइमेट चेंज एक्शन वाली एक रिपोर्ट है, जिसमें पाकिस्तान को काफी अच्छे पॉइंट्स मिले हैं, इंडिया जितने पॉइंट्स मिले क्लाइमेट एक्शन चेंज, लेकिन क्लाइमेट एक्शन चेंज के नाम पे यूएसए को या फिर कनाडा को, इंडिया या पाकिस्तान जितने पॉइंट मिले, इवन चाइना को भी अच्छे पॉइंट मिले हैं। और लास्ट 10 ईयर्स में मे बी ख्याल से पाकिस्तान में फॉरेस्ट एरिया नहीं बढ़ सकता, बिकॉज उसका एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो ये डेजर्ट है, बिकॉज ऑफ बलूचिस्तान। ठीक है, 40% के आसपास तो आप लोग का एरिया वही है ना, क्या कहते हैं, डेजर्ट। अब वहां पे अब आप एक्सपेक्ट करो कि फॉरेस्ट उग जाए, तो इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है। बट चाइना हो गया, इंडिया हो गया, या फिर पाक हो गया, उनको उनको पहली चीज क्लाइमेट एक्शन पे पॉइंट पे मार्क्स मिले हैं, दूसरी मैं चीज इस उनका वजह से फॉरेस्ट बताऊं ना कवर कि बढ़ा भी यहाँ है। पे क्यों कम है, एक सेकंड मैं आपको बताती हूँ ना यहाँ पे क्यों कम है, क्योंकि यहाँ पोल्यूशन कम है। यहाँ पर ऑलरेडी हम लोगों को तो यहाँ पर भैया कार्बन मोनोऑक्साइड का टैक्स देना पड़ रहा है, टैक्स पे टैक्स हो रहा है, तो यहाँ तो कुछ ज्यादा ही चूतिया इन्होंने बनाया हुआ है हमको। तो वहां पे अच्छा है कि, क्योंकि जब मैं चाइना गई हूँ
मैं पाकिस्तान गई हूँ तो वहां पे फॉग, मैं समझ रही थी फॉग है, फॉग नहीं थी, वो स्मॉग है, वहां पर एक धुंध रहती है हर वक्त, यू नो द पोल्यूशन इज सो मच, तो दे आर गेटिंग बेटर एट इट, मगर यूएस एंड कनाडा इज ऑलरेडी गॉट इट अंडर कंट्रोल. यहाँ पे आप बाहर निकलते हो, यहाँ धुआं नहीं दिखता आपको, बाहर स्मॉग नहीं दिखती जी आपको, क्लियर स्काई हाँ, वो दिखता है. आप चेक कर सो सकते हो, आप दैट्स एग्रीड व्हाई एग्रीड इट इज, दे आर गेटिंग बेटर एट इट, दे आर डूइंग इट, मगर अभी यहाँ पे चंद लोग आए, ये नहीं कोई है ही नहीं, हमें तो कुछ नहीं दिखता, ये तो फॉग है. सो दैट्स व्हाई आई से.